एनकाउंटर के कानूनी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ मयूर नारंग जी मौजूद हैं, जिनसे हम एनकाउंटर के पीछे और भी जो कई सवाल हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक हमारे यू सो चैनल में। मच जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, लीगली एनकाउंटर क्या होता है? देखिए, लीगली एनकाउंटर क्या होता है? बेसिकली जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ही एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जैसे अगर कोई पुलिस डिटेन कर रही है, अब पुलिस का जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि कोई अगर अक्यूज है उसको अरेस्ट करना, उसको मजिस्ट्रेट सामने पेश करना, इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस वाले कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी या कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जो कि उनके कानूनी दायरे के आगे जाके है, जैसे कि आपका हो गया सेक्सुअल हैरेसमेंट करना या मेंटल फिजिकली टॉर्चर करना, उसी में आता है फेक एनकाउंटर्स भी। जी, तो जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं उसी को हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एक्टिविटीज़ या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज़ के दायरे में वो आता है, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं फेक एनकाउंटर्स। क्या भारतीय संविधान या किसी कानून में इसका कहीं कोई जिक्र है? क्योंकि अक्सर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के और राज्यों में भी ये एनकाउंटर होते हैं। देखिए, संविधान में तो नहीं है, बट हाँ, जो हम लोग का आईपीसी था पुराना, जो कि बीएनएस हो गया है, भारतीय नागरिक संहिता है, बेग पार्डन, तो उसमें दे रखे हैं प्रोविजंस जो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस वाला है। उसमें देखिए, फेक एनकाउंटर्स यूजली जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ये होता है कि हम इनको अरेस्ट करने आए थे किसी अक्यूज को, वो जो है हमारी गिरफ्त से भाग रहे थे, हमको गिरफ्तार करने से हमको रोक रहे थे और भाग रहे थे, ठीक है। तो उसमें आ जाता है हम लोग का सेक्शन 46 जो होता है पुराने सीआरपीसी का, बीएनएसएस का अलग उसका सेक्शन है। तो 46 में ये दे रखा है कि पुलिस जो चाहे वो फोर्स यूज़ कर सकती है, बट उसमें ये दे रखा है कुछ कुछ सेक्शंस हैं, कुछ कुछ जो आपके चार्जेस हैं, जैसे कि जिसमें पनिशमेंट जो है वो डेथ की नहीं है या लाइफ इंप्रिजनमेंट की नहीं है, जैसे इसमें 3 साल की सज़ा है तो उसमें पुलिस एनकाउंटर नहीं कर सकती, या 7 साल की सज़ा उसमें पुलिस एनकाउंटर नहीं कर सकती, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ की सज़ा है उसमें पुलिस, अगर कोई पुलिस जा रही किसी अक्यूज को अरेस्ट करने या कोई फोर्स जा रही है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जा रही किसी को अरेस्ट करने और वो अरेस्ट अपना इवेड करने के लिए, बचने के लिए वहाँ से भाग रहा है, तब उसको फिर एनकाउंटर में किया जा सकता है। ये 46 में आता है। दूसरी चीज़, अब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस वाला जो मैंने आपको बताया, अगर पुलिस वाले अरेस्ट करने गए और अरेस्ट करने के दौरान सामने अक्यूज़ ने उनके ऊपर हमला किया या गोली चलाई, ठीक है, और उसके बचाव में पुलिस वाले ने अगर एनकाउंटर सामने से गोलीबारी की जिसमें एनकाउंटर हुआ है, तो दैट अमाउंट वो दूसरे तरह का है। मतलब ये दो तरह की यूजली पुलिस वाले जो हैं एनकाउंटर की कहानियाँ अपनी बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक आपका अफ्सपा जो है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उसका भी सेक्शन 4 है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में अफ्सा लगा हुआ है या मणिपुर में था, अभी भी है मणिपुर के कुछ एरियाज़ में, तो वहाँ पे जो स्पेशल आर्म फोर्सेज हैं उनको पावर दे रखी है सेक्शन 4 में कि वो भी एनकाउंटर कर सकती हैं, जहाँ पे एरिया जो ऐसे स्पेसिफिकली डिस्टर्ब्ड हैं वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वो एनकाउंटर कर सकती हैं। अभी बीती 5 सितंबर को सुल्तानपुर में एक एनकाउंटर हुआ था जी, मंगेश यादव का, जी उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। तमाम पार्टियां, जो पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जी वो भी ये कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर था। जी, तो ये फर्जी एनकाउंटर क्या होता है? देखिए, फर्जी एनकाउंटर को समझने के लिए ना बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक जजमेंट आया था 2014 का, उसमें स्पेसिफिक गाइडलाइन सेट की थी, ठीक है। जैसे कि आपका सबसे पहले आपको टिप मिलनी चाहिए कि आपको कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी से टिप मिली थी, आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी की डेथ हुई है तो आपको FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी। पुलिस वालों ने कौन से वेपन से एनकाउंटर किया है वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा, वो सीज होएगा। जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो आप ही के सीनियर इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं तो फिर CID या CBI जो आपकी सीनियर एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगी। फिर उसके बाद ऐसे करीब 13-14 गाइडलाइंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट की थी इस मैटर में। हालांकि बहुत सारी स्टेट्स में ये डिलिजेंटली फॉलो होती हैं, UP में भी फॉलो होती हैं, बहुत सारी स्टेट्स में नहीं होती हैं। फिर पोस्टमार्टम जो होगा वो वीडियोग्राफी में होगा, ये भी PUCL में सेट किया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था अपनी गाइडलाइंस में कि जो पोस्टमार्टम है वो वीडियोग्राफी होगी उसकी। और पोस्टमार्टम में देखिए, एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है, अगर आप किसी को खड़े खड़े अगर गोली मारेंगे तो एकदम सीधी निकल जाती है, हालांकि अगर कोई भाग रहा हो, जैसे पुलिस से एवेड हो रहा है, अरेस्ट एवेड कर रहा हो, अगर वो भाग रहा होगा तो गोली जो होगी एंगुलर निकलेगी, एक पर्टिकुलर एंगल में, क्योंकि उसकी बॉडी मोशन में, गोली जो सीधी जा रही है तो एक एंगल में निकलती है। तो जो पोस्टमार्टम होता है वो बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू होता है पता करने का कि फेक एनकाउंटर हुआ है कि क्या हुआ है। मान लीजिए जैसे कोई एनकाउंटर होता है, मंगेश यादव वाले ले लेते जी, हैं, अगर उसमें जांच के बाद पता चलता है कि वो फर्जी है, जी तो जिस टीम ने उस एनकाउंटर को किया है, जो दावा करती है टीम की हमने ये एनकाउंटर किया है,
उन पे क्या एक्शंस हो सकते हैं? उन पे देखिए, एक तो उनका सस्पेंशन तुरंत होता है और टर्मिनेशन होता है। जब तक ये इंक्वायरी चल रही होती है फेक एनकाउंटर है कि नहीं, तो PUCL में ऐसा बताया गया था कि उनका प्रमोशन नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद अगर पाया जाता है कि फेक एनकाउंटर है, तो उसमें फिर आपका ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट, जैसे एक था ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, फिर एक और था आपका 2011 का महाराष्ट्र का स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से गया थी वो अपील, वो भी सुप्रीम कोर्ट की थी। उस पर मार्कंडे का जो ऑनरेबल जस्टिस जो अपने रिटायर हो गए जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा लेडीशिप, उन्होंने बताया, उन्होंने कैटेगोरिकली हेल्ड किया था ये कि जो पुलिस वाले फेक एनकाउंटर्स करते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स, एंड उनका तो उनके ऊपर जो दायित्व जनता ने सौंपा है, भारत की जनता ने सौंपा है कि हाँ आपको, आपका काम है हमें बचाना, हमको प्रोटेक्ट करना, आपने वो छोड़ के हमको उल्टा मारने की आपने कोशिश की है, तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। सिमिलरली जो ओम प्रकाश वर्सेस झारखंड वाला था, उसमें बोला गया था कि ये जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होते हैं, एंड इसमें स्टेट का भी दायित्व बनता है कि वो जो उनकी एजेंसीज हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करें, एंड इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलती है दैट इज डेथ, मतलब जो फर्जी एनकाउंटर, जी फर्जी एनकाउंटर की जो टीम उसमें इन्वॉल्व होती है उसमें डेथ का ही प्रावधान होता है। एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक टू पुलिस ओनली, ये बाकी जितने भी फोर्सेज हैं अपनी, वेदर इट इज CBI, वेदर इट इज आर्मी या फिर कोई भी है जिसको ड्यूटी दी गई मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की, वो सबके अगेंस्ट ऐसा होता है। एक एज अ वकील अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर किसी अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है तो जो पीड़ित है क्या उसके लिए ये न्याय है, मतलब ये एनकाउंटर करना पूरी तरह से न्याय है क्या? देखिए अभी होता है क्या ना, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, भारत की जो जनता है बहुत सीधी है, बहुत भोली है, ठीक है, और आधे से ज़्यादा लोग जो है ना वो पिक्चरों में देखते हैं किसी एक्टर को गोली चलाते हुए या कुछ करते हैं, उनके मन में भी एक आता है कि हाँ पुलिस वाले जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, एक पहले का अतीक अहमद का जैसे आप ले लीजिए उदाहरण पे, ठीक है, उनकी गतिविधियाँ सबको पता थी, वो अपने इन्फ्लुएंस और पावर से जो था बहुत बार बच के निकल जाते थे, बट फाइनली वो एक मैटर में कन्विक्ट हो गए थे, ठीक है, एंड जब वो देख रही थी, भारत की जनता भी देख रही थी कि हाँ वो बच के बार बार निकल जा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो उस वजह से वो उनके मन में भी एक जो हेट्रेड की फीलिंग आती है वो डेवलप हो गई थी, ठीक है, एंड उसको रोकने के लिए, मतलब देखिए पुलिस वाले जो एनकाउंटर करते हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, होना नहीं चाहिए, फेक एनकाउंटर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनका काम है अरेस्ट करना, अरेस्ट करके फिर वहाँ लाना। जैसे अतीक अहमद वाले मैं आपको बता रहा था, उस पर अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि हाँ मुझे लग रहा है मैं अगर UP जाऊँगा तो UP गवर्नमेंट मेरा फेक एनकाउंटर कर देगी, क्योंकि 13 अप्रैल को उनके बेटे का एनकाउंटर किया गया था और उनको फिर बोला कि नहीं आप आइए आपका नहीं होगा एनकाउंटर, 15 अप्रैल को उनका एनकाउंटर नहीं हुआ बट एक किसी और तरीके से उनको मार दिया गया था, जी। तो ये एक जनता में एक अजीब सी फीलिंग आ गई है अभी, और जिसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हम लोग के जो कानूनी एक्ट्स हैं ये रिफॉर्म नहीं हो रहे बहुत टाइम से, इनमें रिफॉर्म हो जाएगा स्ट्रिक्टनेस लाई जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप यही अब सिग्नल अगर तोड़ के जाएं तो आप पे जो फाइन लगी वो लगी 500 रुपये, यही चीज़ अगर बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिए और बोले जाए हफ्ता भर जेल में रहेंगे तो आप तोड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो हमारे जो रिफॉर्म्स है बहुत, मतलब कानूनी अभी जो पनिशमेंट्स हैं वो बहुत वीक हैं। ये जब अंग्रेज़ बना के गए थे 1860s में 70s में 90s में 18th century में तब बहुत अच्छे थे उस टाइम पे 100 रुपये की जो फाइन होती है जो बहुत होती थी, आज रेट में उतनी नहीं होती है। तो फेक एनकाउंटर्स को, मतलब उनको सही करने के बहुत सारे हैं। अब जैसे अगर आप जुडिशल रिफॉर्म्स भी लाएंगे उसमें भी हैं, अब आप समझिए 1.4 बिलियन की हम लोग की आबादी है और टोटल केसेस जो पेंडिंग है मोटा मोटा 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, और अगर हम लोग रिजॉल्व करने पे आएंगे, मैं बीइंग एन एडवोकेट मैं खुद बता रहा हूँ, हमारे भाई बंधु हम लोग सुबह शाम दिन रात कोशिश करते हैं, जजेस हम लोग की हेल्प करते हैं कि हाँ भाई केसेस ख़त्म हुए जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एमिकेबल सेटलमेंट हो रहा है, वो सेटलमेंट करके ख़त्म करो। अगर हम लोग सारे केसेस आज डेट में ही ख़त्म करने पे आएंगे, अगर नए नहीं भी फाइल होंगे तब भी हम लोग को 320 साल लगेंगे केसेस सारे ख़त्म करने में, तो इतना ओवरबर्डन्ड है ये चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं आपको इसमें बताऊँ कि अब जैसे नया एक्ट आया है CRPC जो नया वाला है BNSS, उसमें दे रखा है कि अगर कोई भी सर्च एंड सीजर होगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ आपको, अगर कोई भी सर्च एंड सीजर होगा तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है पुलिस है वो वीडियोग्राफी करेगी, ठीक है। अब इतने टूल्स ही नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं हम लोग को, पुलिस वालों को रादर, कि वो उसका वीडियो बना पाएँ, DM साहब को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब को या JMFC को, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, वो जो सर्च एंड सीजर की उसका वीडियो फॉरवर्ड कर पाएँ, इतने उनके पास टूल्स ही नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग को रिफॉर्म लानी पड़ेंगी, जिसके बाद जैसे आपने अभी बताया कि काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं जी, और उसके अलावा कई सारे लूप होल्स भी होते हैं जिनका फ़ायदा उठा करके कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के जरिए जो अपराधी हैं वो बच निकलते हैं जी।
तो ऐसे में एनकाउंटर का जो तरीका होता है कि मतलब ठोक के एकदम खत्म करो, खत्म कर दिया जाए उसको, तो इसको लोकप्रियता मिल रही है पब्लिक में, तो इसके जी पीछे कोई और भी कारण है? कोई और कारण नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, दो ही वजह हैं। एक तो पब्लिक जो है वो त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि हम लोग के जुडिशियल रिफॉर्म्स, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ तो जजेस खुद चाहते रिजॉल्व करना, बट इतना ओवरबर्डन है ना जजेस भी आजकल के। अब जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दूँ आपको, हाईकोर्ट की जैसे एज ऑफ रिटायरमेंट है, हाईकोर्ट जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट है दैट इज 62। अब वो जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। अभी क्या, हम लोग की लाइफ, जज हम लोग की सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो जजेस की भी रिटायरमेंट एज जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो जजेस बनते हैं हाईकोर्ट के, या फिर फॉर दैट मैटर डिस्ट्रिक्ट जजेस भी जो बनते हैं, दे आर एन एसेट टू द जुडिशरी। वो बहुत रिगरस ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और इन सब के बाद बनते हैं, ठीक है। अब आप उनको इतनी कम एज में रिटायर कर दे रहे हो, उनका रिटायरमेंट एज भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा। फिर दूसरी चीज़, जैसे कि छोटे छोटे लूप होल्स हैं, समझिए एडजर्नमेंट, ठीक है, एडजर्नमेंट बहुत लोग मूव करते हैं, तो उस पर कुछ ऐसी हाई कॉस्ट नहीं लगती है। अब जैसे पहले के प्रोविजन जो दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया एडजर्नमेंट्स पे कॉस्ट लगेगी 100 रुपये, ठीक है, तो आप अगर वो देखें 1960s में 70s में बहुत होती थी 100 रुपये, आज डेट में 100 रुपये में क्या होता है, कुछ भी नहीं। हम लोग एक्टिवा में पेट्रोल भरा के 100 रुपये घूमने जाएंगे, लखनऊ का एक चक्कर मारेंगे तो हम लोग को वापस आते टाइम 100 रुपये का और भराना पड़ेगा, ठीक है। तो वकील और सामने वाले काउंसिल जा रहे, ठीक है 100 रुपये जा रही कॉस्ट, जाने तो कोई दिक्कत नहीं, मैटर बस खींच दो, तो ये चीज़ होती है। फिर तीसरी चीज़, मैन पावर की बहुत कमी है हर जगह पे, वेदर इट बी पुलिस, वेदर इट बी जुडिशरी, हर जगह पे मैन पावर की कमी है। तो वो जब तक इम्प्रूव नहीं होगी, मैन पावर ठीक से आएगी नहीं, मतलब रिक्रूटमेंट जब तक नहीं होंगे, तब तक फिर ये कमी नहीं, फिर ये वॉइड जो है ये हमेशा खाली रहेगा, इसको भरा नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो नया नए कानून आए हैं वो सही हैं, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कुछ सुधार न्यायिक करने की प्रक्रिया जो जरूरत पहले वाली थी वो भी सुधर गई थी, सुप्रीम कोर्ट की सिस्टम बहुत की बात करें तो जैसे मजिस्ट्रेट जांच सही से नहीं हो पाती है कई बार, बहुत बार और सही भी से शायद लूपहोल्स कोर्ट में होते हैं, आप भी देखते होंगे। जी पहले बहुत बार नहीं हो पाती, बट नए वाले जो जैसे प्रोसीजर सिस्टम भी अब नया वाला आया है, 3 नए एक्ट्स आए हैं, IPC भी नया आया है, CRPC भी नया है, एविडेंस भी जो है वो भी नया है। तो जो नया वाला CRPC भी आया, BNSS, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रोसीजर्स दे रखे हैं, एंड उसमें सबके लिए दे रखे हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फॉर दैट मैटर पुलिस वालों के लिए दे रखे हैं या क्यूज़ के लिए दे रखे हैं, उसमें सबके बहुत अच्छे से राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब जैसे ये है कि पहले होता था कि आदमी को जैसे अगर कोई अरेस्ट हो रहा है तो उसको पुलिस वाले के साथ कोऑपरेट करना ही है इन्वेस्टिगेशन में, अभी ये है कि नहीं, ज़रूरी नहीं वो कोऑपरेट करे, वो अगर चाहे तो वो शांत भी रह सकता है, ही हैज़ गॉट अ राइट टू एक्सेस फॉर फ्री लीगल एड,